भगवान, पापा भी लेट आएंगे शायद। तो हे गाइस, गुड क्या बोल रहे हैं, माइंड डिस्टर्ब है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू, सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ऐसे दिल से आवी को वेलकम करती है आज के न्यू व्लॉग में। संडे है, हैप्पी संडे टू यू एंड हैप्पी संडे टू यू। फिलहाल क्लास निकल रही हूँ, 10:50 हो गए और मेरे को वैसे तो एक शूट करना था, शूट के लिए सूट निकाल के रखा है, बट टाइम लगा नहीं मुझे क्योंकि मैं होगी हूँ लेट, दिमाग भी थोड़ा मेरा आउट है इसलिए। ठीक है, चली रहती है चीज़ें ज़िंदगी में, आउट हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो क्लास निकलती हूँ, आपको क्लास में मिलती हूँ। ये तो मैंने एक वीडियो बनाने के लिए पहना था टॉप, बट ये मेरे को चेंज करना है। अब चेंज करूँगी नहीं करूँगी समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ। चलो, आ गई हूँ क्लास। अंकल आंटी क्लास से अभी 11:00 हो रहे हैं, बाकी बच्चे मेरे आएंगे 12:00 तक। आज अपने को राखी के लिए एक वीडियो शूट भी करना है, राखी के लिए गाना 2 दिन में तैयार किया, मतलब 2 क्लासेस में। जैसा भी होगा देख लेना मेरे चैनल पे गाइस। ठीक है, लेते हैं क्लास, फिर मिलते हैं वापस व्लॉग में। और ये चेंज कर लिए थे मैंने कपड़े, वो उसमें गर्मी लग रही थी बहुत। सो गाइस, यहाँ पे शूट की तैयारी चल रही है अपनी, शूट ये वाला नहीं, ये कैमरे वाला, कैमरे वाला शूट। दीपाली बेबी कर दो चली, टाइम अपना हो गया जी, मैं थक गई गाइस। एक वीडियो मुझे और भी बनानी है घर जाके सूट में। क्लास चालू है, अब तक टाइम देखो क्या रखा है। और ये हिफ्जा बेचारी अपनी मैडम के लिए खाना लेके आई है। बेबी मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बेबी लोगों को मेरी किस्मत बहुत खराब लगती है और लोग मेरे लिए बददुआएं मांगते हैं आजकल, पता है। गाइस देखो, हम लोग आज टिंकी मिंकी बने हुए गाइस, टिंकी मिंकी पर शक्लें आप वोटिंग की, मैं हूं मिंकी, सॉरी दिखा जब भी इसकी इसकी धुनाई होती है जब भी। आज हम खा लो, चलो गाइस हम खाना खाते हैं। खाने को दे दो, अल्लाह के नाम पे खाने को दे दो। अरे इधर है, आ जाओ अम्मा, खाने को दे दे अम्मा, बच्चा है अम्मा, झूठ तो भी है इतना बड़ा बच्चा, मैं लेके जाऊंगा। आ छोटा करो, अरे छोटा बच्चा पिछले 5 साल से इतना ही ना बढ़ता है, लेकिन जो है इतनी है अम्मा, बच्चा छोटा है अम्मा, खाने को दे दे। आज तक मुझे ये नहीं पता ये देखो हमारा कौन चम्मच भैया, इसमें और भी है लौंगे गाइस, खाइए गाइस, इसमें लंबे बहुत ज्यादा लंबे लौंग गाइस, हमारा चम्मच ये हमारा चम्मच, हमारा चम्मच ये वो वाला चम्मच है जिसे खोलते हैं ना गड्ढा से। आगे गाइस, आज ना दुग्गे जी सुबह से गायब है ना, अब मैं घर आ गई थी अपना 3 बजे, 3:30 तक खाना वाना करके वीडियो वगैरह एडिटिंग करके राखी वाली पोस्ट भी मैंने कर दी हुई है। ओके, तो फिलहाल मैं इसे लेटी हुई हूँ क्योंकि दुग्गल जी नहीं आ रहे, इनका वेट कर रही हूँ। दुग्गल जी कहाँ गए हुए हैं, दुग्गल जी सुबह के गए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ में पार्टियाँ पुटियाँ करने, पार्टियाँ करने नहीं, पार्टी करने का कुछ नहीं है सीन, ये गए हुए मंदिर सुरेश भाई के साथ में, एक्चुअली दोस्तों में दोस्तों की भी क्या। तो उनका फ़ोन आया था सुबह, तो इनको भी नहीं पता था दुग्गल जी भी कहाँ जा रहे हैं लेके, तो ये लोग सराहा गए हैं। मुझे लगी भी है टेंशन, कब आएंगे, क्या है, क्या खा रहे होंगे, का ध्यान रखना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान तो ये खुद भी रखते हैं, बट मुझे तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, मुझे आँखों के सामने चाहिए सारी चीज़ें कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। ऊपर से चल फिर भी नहीं सकते ज़्यादा, चलते हैं तो इनकी सांस फूटती है, थकान हो जाती है। जब तक ये घर आएंगे नहीं मुझे नींद नहीं आएगी, मैं बहुत देर से सोने की कोशिश कर रही थी कि सो जाती हूँ, पर नहीं, इतने देर से उनको मैं फ़ोन कर रही हूँ कहाँ पहुँचे, कभी बोल रहे इधर पहुँच गया, पता नहीं किधर पहुँच गया। अभी है किसी भैया के घर पर रुके हुए, मतलब नहान पहुँच गए किसी भैया के घर पर, चाय पानी पी रहे हैं वहाँ पर, फिर आएँगे नहान, मतलब यहाँ ऊपर रामगढ़ भी। तो ये है जी कहानी आज की। फिलहाल शाम के 5 बज रहे हैं, बजने वाले हैं 10 मिनट है 5 बजने को,
अब मैं यहाँ पर ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इतनी देर से अपना काम ही कर रही थी, डांस वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी गाइस, ठीक है। तो कुछ नहीं, वेट करती हूँ इनका, फिर मिलवाती हूँ आपको ब्लॉग में, ओके। समर की ट्यूशन सुबह हो गई थी तो वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। गाइस ये अब आए हैं, 5:20 हो गए, पीपी करते आ रहे हैं अंदर से। मुझे तो पता लग जाता है जब गली में स्कूटी आती है ना आवाज़ आपको, मुझे पता लग जाता है कि हमारी स्कूटी है। आने लग रहे हैं, करती हूँ उनको शूट। सबसे पहले तो बालियों की भंडार हुई शुरू होगा, इनके बालियों का भंडार। तो ये है जी वो महान शख्सियत जो कि घूम फिर के आ चुकी है घर में। हाँ जी, आपको ये नहीं लगा कि पीछे आपकी धर्म पत्नी आपका वेट कर रही है? क्या हो गया, मैं बच्चा कोई हूँ छोटा सा? तू तो इस तरह फिक्र करने लग रही है, नोनू चले जावे ना घर से, कहाँ है नोनू, कहाँ है नोनू? फिर एक तो इनकी चिंता होती है मेरे को, नोनू ज्यादा सेफ रहता है। मैंने क्या करा? नोनू घूमता झुंड में, तो पापा भी झुंड में थे, पापा के दोस्तों के साथ में। कहाँ जाके ये बताओ, टिक्के टुक्के लगवा के आ रहे? आपको ये नहीं होश होता कि मैं सुबह से बाहर हूँ, घर चल जाऊँ टाइम पे? हैं, यहाँ मेरे को नींद नहीं आ रही आपके चक्कर में, थोड़ी पानी पिला बेटी, नींद नहीं आ रही मेरे को आपके चक्कर में। भैया पानी उसमें लाओ, बताओ कहाँ गए थे? क्या बताऊँ, बता तो दिया भी सारा कुछ। नहीं दोबारा बताओ, व्लॉग में बताओ। तो ये कहाँ गए थे बताओ? मैं गया था भुरसिंह देवता के मंदिर, शिव का मंदिर है वो। तो ऐसे इतने इतने खराब पर्सन है ना, इनको मैं कितने सालों से कह रही हूँ कि हमको वहाँ ले जाओ, नहीं 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 हमको वहाँ ले जाओ, और अब ये क्या बोल रहे हैं? जो आप मेरे को तो नहीं बता था, मेरे को तो नहीं बताया था सुरेश ने, बताया था और जाके मेरे को वीडियो कॉल भी नहीं कर सके वहाँ, कर सके वहाँ जाके? वहाँ पे तो क्या फोटो खींचनी अलाउड नहीं है। अच्छा वैसा है? हाँ, वो अनाउंस कर रहे थे कि फोटो मत खींचो, सेल्फी मत खींचो, तब भी खींचो वाली। तो कैसा लगा जी मंदिर में? क्या बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर, मजा आ गया जाकर के। आप सबको मैं वहाँ की स्टोरी बताऊंगा जब हम जाएंगे, तो वहाँ छोटा सा एक ब्लॉग भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, उनसे इजाजत लेकर के, ठीक है। तो मैं वहाँ के इतिहास बताऊंगा कि आप सब लोग वहाँ पे जाएं, तो वहाँ जाके कृपा करके गंद मत मचाना, बट लेकिन वहाँ पे सिर्फ धार्मिकता से जाना, अपने अध्यात्म से जाना वहाँ पे, ठीक है। मतलब ऐसे ना जाना, एक पिकनिक स्पॉट उसको समझ के नहीं जाना आपने। तो वैसे दुग्गल जी को ना पता नहीं था कि आज वो कहाँ जा रहे हैं, सुरेश भैया ने बताया नहीं था इनको, तो महाकाल की कृपा मेरे पुत्र पे ऐसी बनी रहे। और ये देखो टिक्के टुक्के लगा के, क्या मस्त शानदार, जय महाकाल बोलो, जय महाकाल, ये बिन बुलाए देख लो, है ना कैसे प्लान बनते हैं, है ना। वैसे है तो अच्छी बात, किराम जी जी भी गए, उनको भी नहीं पाया, तो अभी बहुत खुश हुए जा करके। है और कितना दूर है यहाँ से? सराहां जितना बस है, 40 किलोमीटर। सराहां से आगे 40 किलोमीटर? अरे नहान से टोटल 40 किलोमीटर है। हम तो चलेंगे भैया किसी दिन, नेक्स्ट संडे बना ले, देखते हैं बताएंगे। चलो कर लो चेंज, थके हारे से लग रहे हैं। कोई नहीं थक रहा मैं, ठीक है गाइस, अब मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। गाइस हम यहाँ नीचे मस्तियाँ मार रहे हैं, आके इनके आ जा छुन छुन का, और देख तेरी चेली तेरे पीछे पीछे लगी हुई है। छुन छुन बैठ जा। तो जी रात के खाने का भी सिस्टम शुरू हो गया, और ये हमने आज नई जगह चूज करी हुई है। हमारे अड्डे चेंज ऐसे होते रहते हैं गाइस खाने के, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और अभी थोड़ी देर, अब जस्ट अभी आए हम लोग कड़ोस में, गए थे गाइस किसी को पूछने ना, बच्चा बच्चे के मन के खिले में उसको पूछने गए थे, तो अभी आए हैं, अब खाना खाएंगे। टाइम कितने बजे गया है, लेट मी शो यू गाइस, ये बजे हैं, ये बजे हैं, पौने नौ। चलो आइए जी खाना खाइए जी, यही है दिन भर काम, सुबह से लेके उठो नहा धो, है ना, यही चक्कर चला हुआ है, खाओ पियो सो उठो सो बस। तो ओके गाइस, आज के ब्लॉग को हम एंड करते हैं यहीं पे, है ना, और सो रहे हैं आज, मैं जल्दी सो रही हूँ, बाकी तो लगे पड़े अपने फोन अपने अपने फोन में। बाकी रक्षाबंधन की आपको शुभकामनाएं ढेर सारी, बट जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तब तक आई थिंक रक्षाबंधन हो चुका होगा, बट फिर भी बिलेटेड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू पूरी दुग्गल फैमिली की तरफ से, ठीक है। ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, कल के ब्लॉग में वापस मिलेंगे, कल दीदी वगैरह आएंगे तो व्लॉग शूट करूँगी, कल भी देख लेना आप, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो,
चैनल को, पेज को फॉलो कर दो, कमेंट्स कर देना, थम दे देना, लाइक कर देना मतलब, ठीक है। और बाकी अपना ध्यान रखना, हैप्पी राखी टू एवरीवन, बाय।